फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किससे किससे आप नोटिफिकेशन से रिंगटोन चेंज करेंगे रेडमी के मोबाइल में, रेडमी 9A के मोबाइल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है। यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाना है। तो नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको चूस लोकल रिंगटोन का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डर, फाइल मैनेजर और म्यूज़िक, यहाँ पर आप अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन रिंगटोन में आप म्यूज़िक आपको डाउनलोड करके म्यूज़िक आपको सेट करना है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्टेड का ऑप्शन मिल रहा है। फिर से भी आपको डाउनलोड कर लेना है पहले। मेरा तो एक देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर रिकॉर्ड करके चेंज कर सकते हैं आप। सेम में क्लिक करते ही चेंज हो जाता है। और यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से म्यूज़िक को डाउनलोड करके आप फाइल मैनेजर में से सेट कर सकते हैं। देखिए प्रेस सिर्फ क्लिक कर देना है आपको। देखिए प्रेस क्लिक, यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऐसे निशन आएगा, आप ओके पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। तो ये चेंज हो चुका है। और यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल रहा है, नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक का ऑप्शन मिला है, यहाँ पर आप सेम है म्यूज़िक आपको डाउनलोड करना है, फिर आप चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे आप, यहाँ ओके पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो चलिए इसको बैक करते हैं। यहाँ पर आपको चूज, तो इसे भी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर आपको डायनेमिक रिंगटोन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है नेचुरल। तो फ्रेंड्स, इसमें से सेम क्लिक करते ही चेंज होता है, अलग से इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और भी चाहते हैं कि आपको ऑल रिंगटोन चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। और यहाँ पर आपको जाना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ढूंढना है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करेंगे आप। ये ऊपर जितने भी सब रिंगटोन है और यहाँ पर नोटिफिकेशन ट्यून्स, जो कि आपको अलग अलग साउंड में आपको देखने को मिल जाता है, सिर्फ इस पर क्या है, क्लिक करते ही चेंज होता है। देखेंगे सेमी फ्रेंड्स, किसी भी क्लिक कर देंगे ये चेंज हो चुका देंगे बस। फ्रेंड्स, क्लिक करते चेंज हो चुका है। स्क्रॉल करते हैं बैक, इस तरीके से आप नोटिफिकेशन रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको स्क्रॉल करते हैं बैक। फ्रेंड्स, यहां से आपको रिंग, तो यहां पर आपको वाइब्रेट फॉर कॉल कॉल्स का ऑप्शन मिला, ये ऑफ होगा इस तरीके से। तो इन दोनों को वाइब्रेट इन साइलेंट मोड, आप चाहते हैं कि वाइब्रेट हो और साइलेंट मोड, इसको ऑन कर देंगे आप। यहाँ पर आपको वाइब्रेट ऑन टैप का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको टैप कर देंगे, किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो चेंज होता है वो। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको डायल पैड ट्यून्स, ट्यून साउंड, टच, इस तरह से ऑफ होगा तो आपको ऑन कर लेना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट साउंड का ऑप्शन आएगा, डिलीट साउंड रहेगा, तो फ्रेंड्स इन सबको आपको ऑन करके रख लेना है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ज़रूर आप ऑन करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशन रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।